नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा। नारायण हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हरि की अमृत वाणी सुन श्रद्धालु एक बार फिर मस्ती में झूमते नजर आए। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरमपुर में चल रहा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हरि ने सत्य की वाणी के माध्यम से बताया कि हम पहले से ही आपको अवगत कराते आए हैं। हम क्या है, हम तो एक हलकारा चौकीदार है जो आवाज देते आए हैं। जागो और जागते रहो। शादी करना आपकी बस की बात, बच्चे पैदा करना आपकी बस की बात, लेकिन बीमारी का इलाज करना आपकी बस की बात। किसी एक पॉइंट पे देवी जी रुको, दो नौकाओं में पैर रख के कभी पार नहीं हो सकते। सीधी सी बात बात हो कि संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, हर किसी के अपने अपने कर्मों की पोटली होती है, कर्मों की गठरी होती है। कुल मिला के ये भी कहे कि पाप कर्मों की पोटली होती है, अच्छे कर्मों की गठरी होती है। ये आपको हम यथार्थ बता रहे हैं। हम ढोंग पाखंडा नंबर अंधविश्वास पर नहीं चलते, और आपने देखा होगा हम कभी भी भूमिका नहीं बनाते हैं। भूमिका बना कर कहने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं, भूमिका बनाने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी हमको भूमिका बनाते नहीं देखा होगा, और यहाँ तक कि हमारे द्वारा कहा गया है, दुनिया के किसी शास्त्रों का कभी हमने स्वाध्याय नहीं किया है, आज भी नहीं करते हैं। संतों से कभी हमारी बैठक उठक नहीं रही है, फिर भी जो शब्द आते हैं शास्त्र सम्मत होंगे। मानवता से ओत प्रोत होंगे, भाईचारा से लबालब होंगे, इंसानियत में डूबे हुए होंगे। आई हो तो देखो श्रीमान जी, समझना न समझना आपका काम। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, इतने मिशन संघ संता पंत हैं, गुरु सदगुरु हैं, कहीं आपकी मर्जी। और आप देखते आ रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश, कोई रूप रंग हमारा नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, लूट नहीं, घंटी माला दिल चापा घोट मोट कुछ नहीं। और हमने पूर्व में भी दर्शाया है कि हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते। अभी आपने देखा यूं हमने किया, इससे प्रतीत होता है सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, गले में जो खाया पिया है ब्लड का ही कफ बनता है, हो सकता है गले में कहीं कफ, लेकिन गले की बात तो समझ में आती है। हो सकता है जो लेंस है, गुर्दे लेंस है, फेफड़े वहां कोई गड़बड़ हो, और फेफड़ों की गड़बड़ किसी कहते हैं जुकाम वगैरह है, तो गरम
कॉफी इस्तेमाल करो, कुछ और करो, गर्म गर्म ठीक हो जाएगा। नहीं, जकड़ जाएगा। एक दिन होगा जो आपने दवाइयाँ गर्म खाई उस कप को फेफड़ों पर चिपक जाएगा। छेपड़ों में छिद्र होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। और किसी जानकार के द्वारा फेफड़ों का ही इलाज कराना शुरू किया जाए तो फेफड़ों में जो चिपका हुआ कफ है वो छूट के गोदामार या गले के द्वारा मुंह के बाहर निकलेगा। जब आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे फिर ये करने की जरूरत, सांस जस की तस आएगी, जाएगी, निकलेगी बाहर अंदर। इसी प्रकार जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो बाबूजी आपको खुद निरीक्षण अपना करना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियां वो अपना निरीक्षण करें कि सत्य के मार्ग पर चलने में क्या व्यवधान आ रहा है, क्या रुकावट आ रही है। कप की तरह उस रुकावट को, उस व्यवधान को हटाना ही पड़ेगा। जब वो व्यवधान रुकावट हट जाएगा तो बाबूजी सत्य के साथ में आपका मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा। अगर मन नहीं लगता है तो बैठने से आने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा भी स्पष्ट संतों के समागम को एक सफाई के बतौर बताया गया है। सत्य का साथ करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास संतन समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया। तो ये संतों का समागम हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दिया। जितने भी दुनिया के वेद हैं उनमें हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं। नाम दबा हुआ पड़ा था, कलाओं से आए, उनका नाम सुना होगा, सुनते भी हैं, लेकिन देखा अब संपूर्ण कलाओं की जरूरत है तो हरि परमात्मा को अपने घट में प्राकट करने में देर नहीं लगी। क्यों? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहे मनुज शरीर। एक शब्द जोड़ेंगे हम इसमें। जब जब होई सदकर्म की हानि, जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, किसी का रूप रंग देखने की बजाय एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। कभी किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला का सबसे बड़ा पाठ परिवार, समाज में, संसार में रहने के लिए प्यार, नम्रता, सहनशीलता, इसका होना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। जब लोग निज स्वार्थ में डूब जाते हैं, उनके मन की नहीं होती तो वहां उनके पास प्रीति का, नम्रता, सहनशीलता नाम की चीज खोजने से भी मिलने वाली नहीं। कितनी खोज मिलेगी,
अरे भाई सीधी सी बात है, एक परिंदा होता है पक्षी चील, उसके घोंसले में मांस का टुकड़ा तलाश करो तो वहां मिलने वाला। तो लौकिक जगत में अगर आप निस्वार्थ प्रेम मोहब्बत स्नेह तलाश करो लौकिक जगत में मिलने वाला नहीं। जो भी आपसे ढंग से बात कर रहा है कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद फिर उसकी निगाह टेढ़ी हो जाती है। काम परे कुछ और है और काम सरे कुछ और। जब व्यक्ति का काम बढ़ता है उसकी विचारधारा उसकी निगाह कुछ और होती है, जब आप उसका काम निकल जाते हैं तो उसकी निगाह विचारधारा बदल जाती है। ये मौका जो आप लोगों को मिला है, समय आप लोगों को मिला है, हमें क्यों बोलना पड़ा? जो खड़ी है उनसे ही हमने पूछा, देवी जी आप तो कॉलोनी का तो कसूरी लोग कॉलोनी है और संचालन करता है एलएलबी है वो मोहल्ला बता रहे हैं। अब बताओ किसी को पहुंचना हो इनके यहाँ तो मोहल्ले के नाम से तो पहुंच ही नहीं सकता, कॉलोनी का नाम आ जाएगा तो खोज लेगा पहुंच ही जाएगा। वही हम आपके सामने रख रहे हैं। सो हकीकत का पता है परमात्मा परब्रह्म का, वो हकीकत का पता एड्रेस सकूनत हमने आपके सामने प्रस्तुत की है आपको खोजने के लिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और हमने तो आपको स्पष्ट दर्शा दिया नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हमने तो खुलासा किया हरकारा चौकीदार बनकर, नारायण हरि परमात्मा जीवित थे जीवित हैं और जीवित ही रहते हैं, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान रहते हैं। आपने ये भी देखा है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता, आंतरिक विचार भी ऐसा नहीं होता। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं देखा जाता, यहाँ तक नर मादा का भी भेद नहीं देखा जाता। लेकिन बात वही है जो बिजली का मिस्त्री है, बिजली को बनाना तार जोड़ना जानता है तो काम कर लेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और बिजली के तार जोड़ना नहीं जानता वो तो पकड़ कर बिजली से चिपक जाएगा मर जाएगा। इसलिए परमात्मा नारायण हरि ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है, ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है भाई। ये दुनिया में भी देखे बिजली की बात तो हाई टेंशन लाइन है, उससे जो टकराता है वो जल के राह हो जाता है। वो नारायण हरि परमात्मा तो ब्रह्मांड की महा हाई टेंशन लाइन है, परम ऊर्जा है, परम प्रकाश है, परम लाइट है, वही कतरा सबके अंदर है। अब परम लाइट से मिलना है, परम प्रकाश से मिलना है तो बाबूजी समझ सकते हैं तमाम धातु है, लोहा है, तामा है, पीतल है और कई प्रकार की चांदी, सभी धातु
विज्ञान वैज्ञानिकों ने किस किस धातुओं को मिलाकर एक तार का निर्माण किया जिससे हम लोग आप लोग बिजली का तार कहते हैं। खंभों पे देखो वही बिजली का तार लगाया जाता है, उसी में बिजली प्रवाहित होती है। और भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं हैं, अगर वहां बिजली को प्रवाहित किया जाता तो कितने हाथ से होते और वो धातु टूट टूट के गल गल के नष्ट हो जाती, टुकड़े हो जाते। तो वैज्ञानिकों ने अलग से शोध करते हुए बिजली के तार का निर्माण किया है, उन्हीं तारों से बिजली प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जब बाकी धातुओं से अगर बिजली टच हो जाए तो कट 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 टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार लौकिक जगत में सांसारिक प्राणी हो और संसार के प्राणी संसार में ही अपने संबंध बनाता है, जोड़ता है, तोड़ता है और मर जाता है। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, संसारी प्राणी होते हुए भी वही धातु वैज्ञानिक ने अलग से तार बनाया, बिजली प्रभाव से चलती दिखाई नहीं देती तारों में। तो सत्य के साथ में भी सद्ज्ञान सद्कर्म वचन के द्वारा आपको देवी स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देवता स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप परम महा टेंशन परमात्मा से मिल सके, परमात्मा को उपलब्ध हो सके। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है बाबूजी, वो आदमी हो ही नहीं सकते। हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माता जगत जननी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी सत्संग जी, जब मैं सबके साथ में जुड़ी थी सत्संग जी, उस समय की बात है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। और प्यारी दुलारी सत्संग जी, मुझे पता चला कि मेरे नारायण साकार हरि आ चुके हैं धरा धाम पर। एक बहन के माध्यम से हम आए और सत्य का साथ करते रहे, सेवा कर्म करते रहे। सत्संग जी पता ही नहीं चला वो गुर्दे भी सही हो गए, ब्लड कैंसर भी सही हो गया। उसी दिन से आनंद परमानंद लेती हूँ हरि के चरणों में। अभी की बात है सत्संग जी, तनि के पति बीमार पड़ गए थे, उनको कोई ऐसी परेशानी हो गई जो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था और मैं बहुत दुखी हो रही थी। मैंने प्रभु मेरे तो बस की बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। अब जो बीमार तो हैं ही, लेकिन प्रभु हम तो आपके भरोसे नैया छोड़ दिए। सही होंगे तो सही है, जो भी है। शादी शादी करना आपके बस की बात नहीं, बच्चे पैदा करना आपके बस की बात नहीं, लेकिन बीमारी का इलाज करना आपके बस की बात नहीं। किसी एक पॉइंट पर देवी जी को दो नौकाओं में पैर रख के कभी पार नहीं हो सकते। सीधी सी बात बात हो कि संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, हर किसी के अपने अपने कर्मों की पोटली होती है, कर्मों की गठरी होती है। कुल मिला के ये भी कहे कि पाप कर्मों की पोटली होती है, अच्छे कर्मों की गठरी होती है। ये आपको हम यथार्थ बता रहे हैं। हम ढोंग पाखंडा डंबर अंधविश्वास पर नहीं चलते,
और आपने देखा होगा हम कभी भी भूमिका नहीं बनाते हैं। भूमिका बना कर कहने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं। भूमिका बनाने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी हमको भूमिका बनाते नहीं देखा होगा। और यहाँ तक कि हमारे द्वारा कहा गया है, दुनिया के किसी शास्त्रों का कभी हमने स्वाध्याय नहीं किया है, आज भी नहीं करते हैं। संतों से कभी हमारी बैठक उठक नहीं रही है। फिर भी जो शब्द आते हैं शास्त्र सम्मत होंगे। मानवता से ऊंच-ऊंच होंगे, भाईचारा से लबालब होंगे, इंसानियत में डूबे हुए होंगे। आई हो तो देखो श्रीमान जी, समझना न समझना आपका काम। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, इतने मिशन संघ संता पंत हैं, गुरु सदगुरु हैं, कहीं आपकी मर्जी। और आप देखते आ रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश कोई रूप रंग हमारा नहीं, बेस नहीं, जटा नहीं, जूट नहीं, घंटी माला दिल चापा घोट मोट कुछ नहीं। और हमने पूर्व में भी दर्शाया है कि हम तो एक हर कारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते। अभी आपने देखा यो हमने किया। इससे प्रतीत होता है सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, गले में जो खाया पिया है ब्लड का ही कफ बनता है। हो सकता गले में कहीं कफ, लेकिन गले की बात तो समझ में आती है। हो सकता है जो लेंस है, लेंस है फेफड़े, वहां कोई गड़बड़ हो रहा है। और फेफड़ों की गड़बड़ किसी कहते हैं जुकाम वगैरह है तो गरम कॉफी इस्तेमाल करो, कुछ और करो, गरम गरम ठीक हो जाएगा, नहीं जकड़ जाएगा। एक दिन होगा जो आपने दवाइयां गरम खाई उस कप को फेफड़ों पर चिपक जाएगा। फेफड़ों में छिद्र होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। और किसी जानकार के द्वारा फेफड़ों का ही इलाज कराना शुरू किया जाए तो फेफड़ों में जो चिपका हुआ कफ है वो छूट के गोदामार या गले के द्वारा मुंह के बाहर निकलेगा। जब आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे फिर ये करने की जरूरत, सांस जस की तस आएगी, जाएगी, निकलेगी बाहर अंदर। इसी प्रकार जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो बाबूजी आपको खुद निरीक्षण अपना करना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियां वो अपना निरीक्षण करें कि सत्य के मार्ग पर चलने में क्या व्यवधान आ रहा है, क्या रुकावट आ रही है। कप की तरह उस रुकावट को, उस व्यवधान को हटाना ही पड़ेगा। जब वो व्यवधान रुकावट हट जाएगा तो बाबूजी सत्य के साथ में आपका मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा। अगर मन नहीं लगता है तो बैठने से आने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। संत जन महात्मा जन वहां पर सोने
वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा भी स्पष्ट संतों के समागम को एक सफाई के बतौर बताया गया है। सत्य का साथ करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास में कहा है, संतन समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया गया। तो ये संतों का समागम हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दी। जितने भी दुनिया के वेद हैं उनमें हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं। नाम तबाह हुआ पड़ा था, कलाओं से आए, उनका नाम सुना होगा, सुनते भी हैं, लेकिन देखा अब संपूर्ण कलाओं की जरूरत है, तो हरि परमात्मा को अपने घट में प्राकट करने में देर नहीं लगी। क्यों? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहे मनुज शरीर। एक शब्द जोड़ेंगे हम इसमें, जब जब होए सदकर्म की हानि, तो जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, किसी का रूप रंग देखने की बजाय एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, कभी किसी का खंडन नहीं करना चाहता, किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं जानती, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला का सबसे बड़ा पाठ परिवार समाज में संसार में रहने के लिए प्यार नम्रता सहनशीलता, इसका होना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। जब लोग निज स्वार्थ में डूब जाते हैं, उनके मन की नहीं होती, तो वहां उनके पास प्रीति का नम्रता सहनशीलता नाम की चीज खोजने से भी मिलने वाली नहीं। कितनी खोज मिलेगी? अरे भाई सीधी सी बात है, एक परिंदा होता है, पक्षी चील, उसके घोंसले में मांस का टुकड़ा तलाश करो तो वहां मिलने वाला। तो लौकिक जगत में अगर आप निस्वार्थ प्रेम मोहब्बत स्नेह तलाश करो, लौकिक जगत में मिलने वाला नहीं। जो भी आपसे ढंग से बात कर रहा है, कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद फिर उसकी निगाह टेढ़ी हो जाती है। काम परे कुछ और है और काम सरे कुछ और। जब व्यक्ति का काम बढ़ता है, उसकी विचारधारा उसकी निगाह कुछ और होती है, जब आप उसका काम निकल जाते हैं तो उसकी निगाह विचारधारा बदल जाती है। तो ये मौका जो आप लोगों को मिला है, समय आप लोगों को मिला है, हमें क्यों बोलना पड़ा? जो खड़ी है उनसे ही हमने पूछा, देवी जी आप तो कॉलोनी का तो सूर्य लोक कॉलोनी है और संचालन करता है एलएलबी है, वो मोहल्ला बता रहे हैं। अब बताओ किसी को पहुंचना हो इनके यहाँ तो मोहल्ले के नाम से तो पहुंच ही नहीं सकता, कॉलोनी का नाम आ जाएगा तो खोज लेगा, पहुंच ही जाएगा। वही हम आपके सामने रख रहे हैं,
जो हकीकत का पता है परमात्मा परब्रह्म का, वो हकीकत का पता एड्रेस सकूनत हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत। और हमने तो आपको स्पष्ट दर्शा दिया नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हमने तो खुलासा किया हरकारा चौकीदार बनकर नारायण हरि परमात्मा जीवित थे, जीवित हैं और जीवित ही रहते हैं, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान रहते हैं। आपने ये भी देखा है इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता, आंतरिक विचार भी ऐसा नहीं होता। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं देखा जाता, यहाँ तक नर मादा का भी भेद नहीं देखा जाता, लेकिन बात वही है जो बिजली का मिस्त्री है, बिजली को बनाना तार जोड़ना जानता है तो काम कर लेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और बिजली के तार जोड़ना नहीं जानता वो तो पकड़ कर बिजली से चिपक जाएगा, मर जाएगा। इसलिए परमात्मा नारायण हरि ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है, ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है भाई। ये दुनिया में भी देखें बिजली की बात तो हाई टेंशन लाइन है, उससे जो टकराता है वो जल के राह हो जाता है। नारायण हरि परमात्मा तो ब्रह्मांड की महा हाई टेंशन लाइन है, परम ऊर्जा है, परम प्रकाश है, परम लाइट है, वही कतरा सबके अंदर है। अब परम लाइट से मिलना है, परम प्रकाश से मिलना है तो बाबू जी समझ सकते हैं तमाम धातु है, लोहा है, तामा है, पीतल है और कई प्रकार की चांदी, सभी धातु है। विज्ञान वैज्ञानिकों ने किस किस धातुओं को मिलाकर एक तार का निर्माण किया जिसे हम लोग आप लोग बिजली का तार कहते हैं। खंभों पे देखो वही बिजली का तार लगाया जाता है, उसी में बिजली प्रवाहित होती है। और भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं हैं, अगर वहां बिजली को प्रवाहित किया जाता तो कितने हाथ से होते और वो धातु टूट टूट के गल गल के नष्ट हो जाती, टुकड़े हो जाते। तो वैज्ञानिकों ने अलग से शोध करते हुए बिजली के तार का निर्माण किया है, उन्हीं तारों से बिजली प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जब बाकी धातुओं से अगर बिजली टच हो जाए तो कट 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 के टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार लौकिक जगत में संसारिक प्राणी हो और संसारिक प्राणी संसार में ही अपने संबंध बनाता है, जोड़ता है, तोड़ता है और मर जाता है। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, संसारी प्राणी होते हुए भी भाई धातु वैज्ञानिक ने अलग से तार बनाया, बिजली प्रभाव से चलते दिखाई नहीं देते तारों में, तो सत्य के साथ में भी
सद्ज्ञान सद्कर्म वचन के द्वारा आपको देवी स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देवता स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप परम महाटेंशन परमात्मा से मिल सके, परमात्मा को उपलब्ध हो सके। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है बाबूजी, वो आदमी हो ही नहीं सकते। हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।